विरासत में मिली गन्ने की खेती को करने के लिए आज भी हमीरपुर जिला के टिक्कर गांव के बाशिंदे दिन रात डटे हुए हैं। गन्ने की खेतीबाड़ी करने के लिए ग्रामीण एकजुटता का परिचय दे रहे हैं तो मेलजोल की संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गन्ने की खेतीबाड़ी करने के लिए किसानों की मेहनत भी रंग ला रही है और गाँव में ही क्विंटलों के हिसाब से शक्कर को निकालकर बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही मेहनतकश ग्रामीणों के द्वारा स्वरोजगार अपनाने के लिए युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। हमीरपुर जिला के टिक्कर गांव में सदियों से गन्ने की खेती आजीविका का मुख्य साधन बना हुआ है और टिक्कर गांव के सभी परिवार 150 कनाल भूमि में गन्ने की खेती कर अच्छी खासी आमदन कमा रहे हैं। यही नहीं, गन्ने की खेती के बाद गाँव में ही शक्कर तैयार की जा रही है जिसकी डिमांड पूरे जिला भर में है। हर साल ही मार्च माह में गन्ने की खेती तैयार होती है और फिर किसान गन्नों से बेलों के माध्यम से शक्कर तैयार करते हैं। शुद्ध तौर तरीकों से बनाई जा रही शक्कर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हाथों हाथ ही क्विंटलों के हिसाब से शक्कर बिक जाती है। ग्रामीण देशराज ने बताया कि गांव में करीब 150 कनाल भूमि पर गन्ने की खेतीबाड़ी का काम किया जा रहा है और पुरखों के जमाने से इस काम को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि शुद्ध शक्कर निकाली जाती है जो कि हाथों हाथ ही बिक जाती है। हाँ जी, हम 150 कनाल में खेती करते हैं और हमारी शक्कर जो है इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं। उसमें हम हल्का सोडा मतलब मैल निकालने के लिए यूज करते हैं, बाकी कोई भी मिलावट का काम नहीं है। तो क्या लोग भी शक्कर खरीदने के लिए पहुंचते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हजारों आदमी आते हैं शक्कर खरीदने के लिए। कितने एरिया में आपने गन्ने की खेती की जा रही है? हमारी यहाँ की गांव की 150 से ऊपरी है, 150 कनाल मतलब जमीन जो है उसमें गन्ना ही है। जो लोग खेती बाड़ी करना छोड़ चुके हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? हम बाहर वालों को संदेश दे रहे हैं, जैसे नालटी है, खरूनी है, सबसे हमने 200-250 टीन उनका भी पीड़ा 5-6 क्विंटल शक्कर बनाई। यहाँ पर बाहर के गांवों वाले भी आए, नालटी से आए, हाल से आए, तबल से आए, उनके भी हमने गन्ना शक्कर बनाया।
युवाओं ने बताया कि पहले जमाने में लकड़ी के बेलनों से गन्ने का रस निकालकर बाद में शक्कर बनाई जाती थी और अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से गन्ने का रस निकालकर शुद्ध शक्कर बनाई जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गन्ने की खेती के लिए सरकार की ओर से अच्छा बीज मिले और सिंचाई की सुविधा हो तो बढ़िया खेती बाड़ी हो सकती है। फसल सर ऐसा हो रहा है कि बचते ही नहीं है बिल्कुल, जैसे इतना भी हम बीजते हैं वो पूरा का पूरा कट जाता है और पूरा का पूरा यूज हो जाता है। इतनी हम शक्कर निकालते हैं से एक क्वांटल हो गई किसी के खेत में तो वो पूरी की पूरी यूज हो जाती है जी। कोई दिक्कत तो नहीं पेश आती इसमें? दिक्कत तो ये है कि जैसे इरिगेशन जो होना उसका मतलब वो भी चाहिए हमें, सरकार से कुछ सुविधाएं चाहिए, जैसे कि वो ये चाहिए हमें कि मतलब उसका उपज का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ज्यादा गन्ने का खेती हो, अच्छा बीज आए सरकार की तरफ से, उसको GI टैग मिल जाए कि उसका मतलब पर्टिकुलर डिमांड है वो पूरे इसमें फेमस हो, जैसे बासमती है पंजाब की वो फेमस है पूरे उसमें, तो उसी हिसाब से उसका भी मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए और उसका मतलब GI टैग मिलना चाहिए। क्या जंगली जानवर जो है इस फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? जंगली जानवर भी आ जाते हैं, सुअर आ जाते हैं रात को, पूरा फसल खराब कर देते हैं, वैसे पूरा उसका दिक्कत हो जाती है तो फिर वो ठीक से होती है। तो आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं उसके लिए? यही कि इसकी पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जैसे इसका हो गया कि पूरा मतलब बाड़ा लगना चाहिए, जैसे बाड़ा लगता है सोलर वाला बाड़ा लगता है, उसका भी पूरी मदद कर देनी चाहिए सरकार को। मतलब हम इसके बारे में ये कहें कि ये काफी टाइम से चला हुआ है, जो हमारे बुजुर्ग है वो उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था काफी टाइम से। तो पहले मतलब लकड़ी की बेलने वो करते थे और साथ में बैल के साथ गन्ने का काम किया करते थे, लेकिन अब तो बिजली का काम शुरू हो गया तो बिजली की मोटर लगा के काम करते हैं। पर कितनी शक्कर निकल जाती है सर? ये तो फसल के ऊपर डिपेंड होता है, मौसम के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे बारिश वगैरह अच्छी हो तो फसल अच्छी निकल जाती है। तो शक्कर मैक्सिमम ये होती है कि जैसे एक खेत से 20-25-30 किलो शक्कर मैक्सिमम निकल जाती है। ज्यादा निकलती है 30 किलो से। ये भी यही काम अच्छा है और ये काम करो क्योंकि ये शुगर फ्री भी होती है, इससे कोई बीमारी को खतरा में नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस चीज को ज्यादातर उपयोग में लाते हैं। मतलब तो ये चीनी से अच्छी चीज है मतलब शक्कर। शक्कर खरीदने पहुंचे अजय कुमार ने बताया कि शक्कर लेने के लिए हमीरपुर से आए हुए हैं और हर साल की शक्कर लेकर जाते हैं। उन्होंने बताया कि बाजार के मुकाबले देसी शक्कर खाने में स्वाद ही बहुत बढ़िया है और पौष्टिक भी होती है। जी मैं यहाँ पर शक्कर लेने आया हूँ जी, क्योंकि हम पहले भी लेके जाते हैं और ये शक्कर जो बहुत बढ़िया है, शुगर फ्री है और इसका विभाग ने पहले भी टेस्टिंग की है तो सबसे बढ़िया है और हम तो हर साल ही लेके जाते हैं यहाँ से। हमारी तो हर साल की 10-15 किलो तो लगी जाती है, घर में खा लेते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि साल भर किसान गन्ने की खेती के लिए दिन रात काम करते हैं और किसानों को खेती से अच्छी आय होती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि खेती बाड़ी के पानी की समस्या आती है, इसे दूर करने के लिए काम होना चाहिए। जो शक्कर बनती है और टिक्कर गांव में बनती है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है और ये शुगर फ्री है और इसका एग्रीकल्चर हमीरपुर द्वारा जो टेस्टिंग की गई है वो भारत में नंबर वन शक्कर का नाम दिया गया है कि और भारत में फेमस है और यहाँ लोग दूर दूर से ये जो शक्कर है वो खरीदने के लिए आते हैं और इसकी बहुत डिमांड है। आपने अभी देखा कि एक हमारे कस्टमर आए थे, उन्होंने अभी खरीदा, तो इसका इतना डिमांड है कि अब पूछो मत। जैसी शक्कर बनती है और साथ साथ में ये फिनिश हो जाती है, यहाँ के किसानों को कहाँ बेचने नहीं जाना पड़ता है, इधर जो लेते हैं उधर ही खत्म हो जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑल हिमाचल में और भारत में। एक नंबर वन की ये शक्कर है और बहुत फेमस है ये। बुजुर्ग सत्या देवी, रोशन लाल और फूला देवी ने बताया कि दशकों से गन्ने की खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और आज के युवाओं को खेती बाड़ी करके स्वरोजगार अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी गांववासी एक साथ मिलजुल कर गन्ने की खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, सब अपना मिली जुली करना है, सारी खेती बाड़ी जो है साथ में एक बनी करना कमाते हैं। ये बोलना चाहेंगे फिर कमाओ कि ना खाओ घर में ही सब कुछ, पर नहीं मनन तो बाहर जाए ना चाहे तक्के खाने, पर है तो सब कुछ इतनी फिर वो नहीं मन दे तो फिर उन्हें क्या कर सकते। सब परिवार मिलके करता है पर हमारे बच्चे दूर दूर चले जा रहे, इधर करिए तो पैसा पैसा है, 2000 पर चले जा रहे, क्या खट्टा है कुछ नहीं। आपकी शक्कर यहाँ गांव में जो शक्कर बनाते हैं बिक जाती है क्या? कन्ने कन्ने बिक जाती है जी, रखने नहीं मिलती है। रोशन लाल जी, आपके गांव में गन्ने की खेती कब से की जा रही है? 75 साल उम्र हो गई जी मेरी, तब से देख रहा हूँ गन्ने की चली हुई है खेती।
तो क्या यहाँ के जो गन्ने की खेती है करते हैं, जो शक्कर है, उसकी डिमांड कहाँ कहाँ है? डिमांड यही नहीं पूरी होती लोकल लिए। तो कितने एरिया में खेती होती है गन्ने की? यहाँ होगी कम से कम 20-22 कनाल में। तो टोटल बात की जाए पूरे इलाके में तो कितने, 100-150 कनाल में? हाँ इतनी होगी। कोई आपको दिक्कत तो नहीं गन्ने खेती कर रहे हैं कुछ काम में? काम में दिक्कत तो इसमें है ही है जी, काम सकता है यहाँ से, मतलब बीजने से लेकर गुडाई तक, गुडाई से लेकर जो है ना आज तक काटनी फिर तैयार करनी, वो काम तो है ही है। बाकी दिक्कत मालूम नहीं होती हमें, कोई पहले से अभ्यास पड़ा हुआ है। कोई सरकार से डिमांड तो नहीं आपकी? नहीं कोई नहीं है। अभी जंगली जानवर इत्यादि नुकसान तो नहीं पहुँचाते? पहुँचाते तो हैं जी जंगली जानवर तो, पर अब वो दे रहे हैं सब्सिडी पर, गांव वालों की अपनी वो है, इसमें तो हेडेक पे, अगर लेनी हो तो ले सकते हैं।